तो हेलो फ्रेंड, ये है एक स्पार्कुलर गन। ये हमारे कलर्स को, वो स्प्रे गन्स नहीं होती, उस तरीके से उड़ाने में काम आती है। तो आज हम लोग इसको चला के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ऐसे ब्लैक और इसका एक इलेक्ट्रिकल स्विच मिल जाता है, जिसके अंदर कि हमें इस कलर की स्पार्क वायर्स को डालना है। पीछे की साइड पर यहाँ पर हमें मिल जाता है, यहाँ पर सेल कंटेनर, जिसके अंदर के दो नॉर्मल टाइप बैटरीज लगेंगी। वो आप कोई भी कंपनी के अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच, जिसको कि हम लोग ऑन करेंगे जब हमें इससे चलाना होगा। नीचे एक बटन और बस यही है। अंदर यहाँ की साइड पे हमारा जो ये एक इन्होंने कलर बॉम्ब जैसा दिया है कुछ, इस ये जाएगा। इसके जो वायर वाला हिस्सा है वो यहाँ पे, जो खाली हिस्सा है इस टाइप में ऐसे आएगा, ऐसे। तो इसका जो है हमने यहाँ पे एक नट दिया, जिससे कि हम लोग इसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं। इसे अंदर करके हम इसे टाइट कर देंगे। इसे टाइट करने के बाद हम बस नॉर्मली ये जो दोनों वायर्स हैं इन प्लग्स में डाल देंगे। हमें इसे रेड और ब्लैक स्विच के आगे डालना है, यहाँ पे इसके आगे डालना है, पीछे नहीं डालना। तो वायर्स को फटाफट यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो हमने ऐसे वायर्स इंसर्ट कर दिया है, काफ़ी ऐसा कुछ इसका दिखेगा जब लग जाएगा पूरा। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसका बटन ऑन और इसे रखेंगे, दबा के रखेंगे। और ये ऐसे अलग अलग कलर्स में बार बार आता है, पहले पर्पल, फिर येलो, फिर शायद इसके बाद भी चेंज हो। यहाँ पे एक लाइट भी ब्लिंक होने लग जाती है जब ये कलर्स ऐसे करता है। तो ऐसे ही ये थी हमारी स्पार्कुलर गन। आई होप आपको ये अच्छी लगी। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कार्टेजेस या कह लीजिए जो भी बॉम्ब है, इसे और इस गन को, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।